गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, हो तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। आप लोग थके तो नहीं है, तो मुझे एहसास कराएगा तालों की ताल देके। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी, मिले ताली हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाए तो। वाह वाह वाह, जो ना ताली बजाई तो कंगाल कर दूंगी। ये मंच के कवियों के लिए था, क्योंकि सबकी कविताओं पे लगातार हम पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब सब काफी सुस्त पड़ चुके हैं, पर स्थिति भी ऐसी आ गई, तीन बज चुके हैं। और ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, एक तो गुलाबी नोट ही क्यों, 500 का नोट पसंद नहीं है तुझे, गुलाबी में टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे बच्चा, सुन कि बड़ों से रिश्ते मत बनाया कर, वो रिश्ते तोड़ देते हैं, कोई बड़ा और मिले तो उससे रिश्ते जोड़ देते हैं। नोट रखा कर 500 के ही अपने पास, 2000 के नोट अक्सर रंग छोड़ देते हैं। इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, बहुत कुछ कह चुके मेरे बारे में लोग, क्योंकि अब वो समय नहीं है, अब मुझे लगता है आप सुनना भी नहीं चाहते हैं वो सब। अरे इसीलिए बुलाया मेरे को तेरी सोगन। अच्छा सुनना चाहते हैं, ये आपकी बेइज्जती कराए बिना मानेंगे नहीं। मेरी क्या इज्जत मैम, समझा करो, हमारे तो पूरे भारत में जहाँ कमल जी की इज्जत हो गई वहाँ सारे कमल की इज्जत हो गई, आज तो उनकी इज्जत कर मेरी बेइज्जती कर, भाई खुश होना चाहिए बस। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए, गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। वाह वाह वाह, कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी बातें करते नहीं कि पराई राहों को गोरी ताकते नहीं है, दूसरी की खूंटी पे कपड़े टांगते, पराई राहों को गोरी ताकते नहीं है, दूसरे की खूंटी पे कपड़े टांगते नहीं है, तू बच्ची है इसलिए कह रहा हूं घर में रह कर पराए मर्दों के घर में झांकते। ये वक्त वक्त की बात है, रात के 3:30 बजे ये यहाँ मंच पहन के घर पे कौन झांक रहा होगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप तो ये बात ना ही करें। और मैं इतना कहना चाहूंगी, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। आप गौरी मिश्रा से बात कर रहे हैं, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा, काला अक्षर जो भैंस के बराबर है लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। रुकिएगा, और इसके बाद अंतिम पंक्ति में पूरा सदन इनका सम्मान कीजिएगा, कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा, गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। सुन, शेरनी का भी जवाब नहीं था, अब शेर का भी सुन।
शेरनी शेरनी क्या होती है, अपन बैठे कमल जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कमल नाम को कम होने दूंगा क्या? ये आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। अब इनके पास बचा नहीं है कुछ। प्रेम 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 सुनना। हाँ जी। कि हम तो वो दवा है जिससे दर्द भग जाते हैं, हम तो वो दवा है जिससे दर्द भग जाते हैं, सवा तीन बजे भी सोए हुए जग जाते हैं। हम तो वो दवा है जिससे दर्द भग जाते हैं, सवा तीन बजे भी सोए हुए जग जाते हैं। और जो हीरे अंगूठी में नहीं लग पाते गोरी, कभी तकदीर होती है नथनी में लग जाते हैं। ऐसा है, बात दरअसल ये है कि हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते। वाह। हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी सुना रही हो हरदा वालों को कविता, दद्दू बीच में यूं बोला नहीं करते। मैं इतना कहना, मैं तो अपने स्वाभिमान के प्राइड में हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के प्राइड में हूँ। हमारे नेता का जन्मदिन है इसलिए राइड में हूँ। कौन तेरे बीच में बोल रहा है गोरी, मुझे देख, मैं तो बिल्कुल साइड में हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगी कि मुझे जितना पेमेंट मिला है वो आपको सुनाने के लिए मिला है। उनको सुना दे, अब अपना बराबर करते हैं। चलो, अपना क्या बिगड़ रहा है? बराबर तो हो ही नहीं सकता, कहां आप और कहां मैं। नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं नैनीताल और आप जयपुर, जयपुर और नैनीताल का भी बराबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए लोगों ने खंड भी अलग अलग कर दिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं, जहां दुश्वार है राहे वहीं आराम लिखा है। जहां दुश्वार है राहे वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा